हेलो एवरीवन, ईट यम्मीशियस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी और एकदम चटपटी केरी की चटनी। केरी की चटनी, केरी की लौंजी और केरी की सब्जी सभी बनाना जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसे थोड़ी सी अलग स्टाइल से बनाना बताऊंगी, जिससे कि इसका जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा आएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है ये। इस चटनी को हम रोटी पराठे के साथ या फिर इसे हम ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और पूरी के साथ खाने में ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इसे हम बना करके आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, तो जब भी कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन करे तो इसे हम खा सकते हैं। तो चलिए स्वाद से और फ्लेवर से भरपूर केरी की चटनी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कच्ची केरियाँ ली हैं, जो कि एकदम फ्रेश और ताज़ा है और मार्केट में इसकी बाहर आई हुई है, क्योंकि इसी का सीज़न है अभी। तो इसे हमें अच्छे से छील लेना है, छिलका इसका निकाल लेना है। तो पहले इसे पानी से वॉश कर लेंगे और चाकू से इसे छील लेंगे और गुठलियाँ हटाते हुए इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने केरी को कट कर लिया है और मैंने जो केरी ली है वो लगभग ग्राम्स में 500 ग्राम है, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3 से 4 केरी का हम इस्तेमाल करना है और इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे इसके। अब इस चटनी के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए मैंने रखा है, जिसमें मैंने डाला है ये 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे जीरा, फिर 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ये धनिया के बीज, सूखा हुआ जो धनिया होता है वो, और 4 हरी इलायची इसमें डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है चम्मच से चलाते हुए, जिससे कि इनका जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा हो जाएगा और हमारी इस चटनी में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, ये जो सौंफ, जीरा और धनिया है, इन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और इसे हमें इतना ही भूनना है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इन्हें हम निकालेंगे एक प्लेट में, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। तो प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें क्रश करना है, तो मैंने इसे इस मोर्टर और पेस्टल में भर लिया है और ये जो हरी इलायची है इसका हम छिलका हटा लेंगे और इन सभी चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो मिक्सी में भी इन्हें पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो क्रश करते हैं तो इसका जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा बना रहता है और हमारी चटनी में भी एकदम देसी वाला स्वाद आता है इसका। तो ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से पाउडर हो गई हैं और ज़्यादा एकदम फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है इसका, हल्का सा इसे दरदरा ही रखेंगे। तो ये हमारी इस खट्टी मीठी चटनी का फ्लेवरफुल मसाला तैयार है। इधर कढ़ाई में मैंने 1 से 2 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रखा है, जिसमें जब इस तरीके से उबाल आने लगे तब ये जो हमारी कच्ची केरी है, ये जो कच्चा आम है, ये हम इसमें डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम बॉईल करेंगे। तो लगभग 60-65% तक हमें इसे पका लेना है। तो अब इसमें मैं ये थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ, चुटकी भर के करीब। तो अब हमें इसे उबलने देना है, इसमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है। इस तरह से पकाने से हमारी जो चटनी है ये जल्दी भी बनती है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे हम एक स्ट्रेनर में डाल लेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो देखिए, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल और इसे गर्म होने देंगे। इस गर्म तेल में अब हम डालेंगे ये 1 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे हींग, और राई को अच्छे से तड़कने देंगे, अच्छे से इसे चटकने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को इसमें हमें अच्छा सा गुलाबी कलर आने तक भूनना है, जिससे कि जब खाते समय ये एकदम से मुंह में आएंगे तो इसमें भी हल्की सी मिठास रहेगी और हल्का सा क्रंच भी रहेगा, तो अच्छा टेस्टी कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका। तो अच्छे से प्याज को भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह का कलर आना चाहिए प्याज पर। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, जितना आपको इस चटनी को स्पाइसी रखना है उस अकॉर्डिंग इसमें मिर्च मिलाएंगे, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिला लेंगे और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इसे हम भून लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी जल्दी से जलना शुरू हो जाती है, तो जल्दी से इसे मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को स्लो पर रखेंगे और ये हमारी कच्ची केरी इसमें मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी चटनी को लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके रखना है, तो पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, इसलिए हमने केरी को पहले से ही बॉईल कर लिया है। अब बारी है हमारी चटनी को मिठास देने की, तो इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप प्लस उससे 2 या 3 टेबलस्पून ज़्यादा चीनी मिलाएंगे। तो ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये चटनी थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है तो कुछ को थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी पसंद होती है।
तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन आधा कप इसमें सफिशिएंट है। अब हम इसे धीमी आंच पर ढक्कन से कवर करके पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन से कवर करके रखा है, और जिससे कि आप देखें कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब बारी है इसमें कुछ और चीज़ें मिलाने की। तो इसमें मैं मिला रही हूँ ये 1/2 टीस्पून काला नमक, जिससे कि स्वाद और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाएगा इस चटनी का। इसी के साथ जो मसाला हमने इस चटनी के लिए बनाकर तैयार करा है वो मिला लेंगे इसमें, और फिर काला नमक इसमें मिला लिया है। तो अब जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम इसमें नॉर्मल नमक मिला लेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें मैं ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मिला रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से इसमें, और फिर से इसे 1 या 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसे अब ज़्यादा पकाने की या कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिर्फ थोड़ा सा और इसे पका लेंगे। यहाँ पर जो केरी के टुकड़े हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर हम इसे इस तरह से तोड़ें तो ये एकदम परफेक्टली सॉफ्ट है, और कुछ कुछ टुकड़े अच्छे से मैश भी हो रहे हैं, जिससे कि हमारी चटनी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जब इस चटनी में इस तरीके से बबल्स आने लगे, बुलबुले उठने लगे, मतलब ये है कि हमारी चटनी अच्छे से बन चुकी है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी अभी आप देखिए इस तरह की है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस चटपटी सी खट्टी मीठी केरी की चटनी को सर्व कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी गर्मियों वाली चटपटी सी चटनी बन करके तैयार है खाने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, और बच्चों को ये काफ़ी पसंद आती है क्योंकि सभी को बचपन में ये चटनी खाना अच्छी लगती है। तो आपको भी अगर पसंद है तो प्लीज़ इस तरह से भी इसे घर पर ज़रूर से बनाकर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल ईट यम्मीशियस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे, और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस चटपटी कच्ची केरी की चटनी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मीशियस।